बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बासित महमूद के बावर्ची खाना में खुश आमदीद। दोस्तों, आप सब लोग का बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस लाइक करने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। आज एक बहुत मज़ेदार सी वेजिटेरियन रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मैं बनाने जा रहा हूँ बहुत मज़ेदार से स्प्रिंग रोल, जिन्हें वेजिटेबल रोल भी कहते हैं। और उससे अच्छी बात यह है कि हम उसकी शीट्स भी, यानी उसकी मांडा पट्टी जो है वो भी हम घर पर बनाना सीखेंगे। तो हम टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से बनाना सीखते हैं मज़ेदार से स्प्रिंग रोल विद होममेड शीट्स। जी दोस्तों, मेरे पास एक पाव मैदा है, आधा चम्मच नमक डालेंगे और थोड़े से पानी से इसको हम गूंथते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करके। थोड़ा टाइट सा और थोड़ा सा हार्ड सा हम लोगों ने इसका पेड़ा या आटा गूंदना है। जी दोस्तों, हमारा आटा रेडी है, इसे हम कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए और ताकि ये सेट हो जाए। तो तकरीबन दोस्तों आधा ग्लास लगा है एक पाव मैदे के लिए। तो अब हम अपनी वेजिटेबल्स कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये चार तरह की वेजिटेबल्स ली हैं, शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी, हरी प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्च, ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इसे हम कट कर लेंगे बारीक बारीक। जितनी बारीक होगी उतनी हमारी कुकिंग टाइम जो है वो कम होगा और जल्दी जल्दी कुकिंग हो जाएगी। जी दोस्तों, ये कट गए, इसको साइड पर रख देंगे और जो इसका बाकी हिस्सा है आधा वो भी काट लूँगा। जी दोस्तों, तो हरी प्याज ले लेंगे, तकरीबन तीन है, इसे भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। ये भी कट गई, इसे भी हम साइड पर रख लेंगे। और फ्रेंड्स, हरी मिर्चें मैं दो यूज़ करूँगा, आपकी मर्ज़ी है, डालना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्ज़ी, आप छोड़ दें, मुझे अच्छी लगती है इसकी खुशबू इसलिए मैं डाल रहा हूँ। इसे भी बारीक बारीक काटेंगे, इन्हें भी हम साइड में प्लेट में रख लेंगे। अब हम शिमला मिर्च को कट करेंगे, इसकी साइड्स कट करेंगे और सीड वाला पोर्शन साइड पर रख के इसको भी बारीक बारीक रखेंगे। सारी सब्जियों की थिकनेस एक जैसी रखनी है, इन्हें भी हम एक साइड पर बल्कि इसी टोकरी में रख लेता हूँ, जगह बचाते हैं। और फ्रेंड्स, दूसरी शिमला मिर्च भी अब हम काट लेंगे, इसे भी इस टोकरी में रख लेंगे। अब हम गाजर को कट करेंगे, तकरीबन आधी गाजर मैं यूज़ करूँगा। पहले इसके बारीक स्लाइसिस कट कर लिए, अब इसे हम जूलियन कट कर लेंगे। जी दोस्तों, इन्हें भी हम शिमला मिर्च के साथ रख लेते हैं। थोड़ी सी गाजर और यूज़ करूँगा, टोटल आधी गाजर यूज़ होगी, ठीक है, ये भी कट गई है। फ्रेंड्स, सब्जियां सारी कट गई, मैं ज़रा क्लीन कर लूँ। जी दोस्तों, हमारी सब्जियां रेडी हैं, अब हम इन्हें स्टर फ्राई कर लेंगे, यानी थोड़े से कुकिंग ऑयल में तेज़ आग पर भून लेंगे। एक खुले मुँह का बर्तन लेंगे, इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे, इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ये गर्म हो गया, इसमें हम सबसे पहले अपनी शिमला मिर्च और गाजर डालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती कुक होने में, और तेज़ आग पे इन्हें 1 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। जी दोस्तों, तो 1 मिनट हो गया इन्हें भूनते भूनते, तो अब हम इसके अंदर बंद गोभी शामिल करेंगे, इसे भी तेज़ आग पर तकरीबन 1 मिनट ही हम फ्राई करेंगे। हमने इनको इतना पकाना है कि इनका सिर्फ कच्चापन ख़त्म हो, इनकी क्रंचीनेस ख़त्म ना हो, ये मुरझाए नहीं। फ्रेंड्स, आग तेज़ ही रखिएगा, मुसलसल चम्मच चलाते रहिएगा। अब इसके अंदर हम काली मिर्च और नमक शामिल करेंगे। पहले काली मिर्च डालेंगे ताज़ा कुटी हुई, तकरीबन हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून ही हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे और थोड़ा सा एक चुटकी गार्लिक पाउडर यानी लहसुन पाउडर डालूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं डाल रहा हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप मत डालिएगा। नमक हमने कम रखा है क्योंकि हमारे पेड़े में भी, जो हमारी मांडा पट्टी उसमें भी नमक है, तो इसलिए नमक को कम ही डालेंगे। जी दोस्तों, सब्जियाँ अच्छे से भुन चुकी है, अब इसमें हम हरी प्याज हमने काट के रखी थी वो शामिल करेंगे और इसे भी तकरीबन आधा मिनट हम मिक्स करेंगे और हमारे जो सॉसेज हैं हम वो शामिल कर देंगे। तो तकरीबन आधा टेबल स्पून सोया सॉस डालूंगा इसमें, आधा टेबल स्पून चिली सॉस डालेंगे, 1/4 टेबल स्पून हम इसके अंदर से सिरका डालेंगे, सफ़ेद सिरका। बस हम इन्हें एक लास्ट मिनट हम इनको स्टर फ्राई करेंगे ताकि हमारे जो सॉसेस का पानी है वो भी ड्राई हो जाए। फ्रेंड्स, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी डालूंगा, ये भी ऑप्शनल है,
ये भी बहुत प्यारा सा कलर देती है। तो बस हमारी सब्जियां ऑलमोस्ट डन है, चूल्हा बंद करेंगे और अब हम अपनी जाते हैं मांडा पट्टी को रोल करने के लिए। जी दोस्तों, तो आधा घंटा हो चुका है, अब हम आटे को निकालते हैं इसमें से और उसको बेल लेते हैं। थोड़ा सा मैदा डालेंगे। फ्रेंड्स, मैं छोटे साइज़ के रोल बनाऊंगा, इसलिए मैं छोटे छोटे से पेड़े करूंगा। आप बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं तो आप बड़े साइज़ के पेड़े कर लीजिएगा। इसे लंबा सा हमने बेल लिया, अब इसे हम कट कर लेंगे। मैं इसे 6 पीसेज में कट करूंगा क्योंकि मुझे छोटे छोटे रोल बनाने हैं। आप इसके 4 पीसेज भी बना सकते हैं अगर आपको बड़े साइज़ के रोल बनाने हैं। तो इन्हें हम छोटे छोटे पेड़े की शक्ल में, बॉल्स की शक्ल में हम चेंज कर लेंगे। जी दोस्तों, तो हमारे पेड़े रेडी हैं। तो हम पहले एक पेड़ा बेल लेते हैं और किसी भी रोलर की मदद से या फिर बेलन की मदद से इसके रोल कर लेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल साइज़ का हम इसको रखेंगे इतना। इसे हम साइड पर रख लेंगे, एक दूसरी रोटी बेलेंगे। जी दोस्तों, तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे। मैं कम लगा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप ज़्यादा लगाना चाहें तो ज़्यादा लगा लें, बाज़ार वाली में बहुत ज़्यादा लगा हुआ होता है। मैं कॉन्शियस हूँ कि कम से कम ऑयल ही यूज़ हो ताकि किसी को हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, स्पेशली रमज़ान में। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमने ऑयल लगाया। इस वाली थोड़ी सी डस्टिंग करूँगा मैं मैदे की, और जो हमारी दूसरी वाली रोटी हमने बेल के रखी हुई है इसे उठा के इसके ऊपर रख दूंगा और हल्का सा प्रेस करूंगा। फ्रेंड्स, हमें इनके कॉर्नर नहीं दबाने के आपस में ओवरलैप हो, बस प्रेस करना है कि कनेक्शन में आ जाएं ये रोटियां इस तरीके से। तो एक और रोटी बेल ली, इसके ऊपर दोबारा से मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाऊंगा और थोड़ी सी मैदे की डस्टिंग करूंगा और इसको भी इसके ऊपर रख लूँगा। फ्रेंड्स, मैं 3 एट अ टाइम बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम 4-5 भी कर सकते हैं लेकिन फिर हमारा मसला होता है कुकिंग में, अंदर से आखिरी रोटी कच्ची रह जाती है। इसको अब हम बेल लेंगे प्रेस करते करते आराम से। नॉर्मल तकरीबन 6 या 7 इंच का हम बनाएंगे, इसकी चपाती कह लें या इसकी रोटी कह लें। जी दोस्तों, तो ऑलमोस्ट हमारी रोटी रेडी है, इसे अब हम पका लेंगे। ये मेरे पास देखें चूल्हे की आग कितने लेवल के, इसी आग पे हमने रखना है और तवे को हल्का सा गर्म होने देंगे। इसके ऊपर अपनी रोटी डाल देंगे और अच्छे तरीके से इसको फैला लेंगे जितना ज़्यादा फैल सके। अब इसे तकरीबन 10 से 15 सेकंड हम पकने देंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। आग स्लो ही है, बहुत मध्यम सी। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारी रोटी थोड़ी पकने लगी है, इसे हम टर्न करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा गीलापन इसमें सूखता जा रहा है, इसको टर्न कर लेंगे और दूसरी साइड से भी अब हम इसको पका लेंगे। तकरीबन नहीं, इधर थोड़ी सी कसर है, दोबारा से टर्न करेंगे, 10 सेकंड इसको पका लेंगे। देखें, अब दोबारा 10 सेकंड होके इसको मैं पलट लेता हूँ ताकि यहाँ से भी कुक हो जाए। जी दोस्तों, तो 5 सेकंड दूसरी तरफ से भी पका लेता हूँ। अब इसे उतार लेंगे इस तरीके से, कपड़े में रख के रोटी वाले रुमाल में इसको कवर कर देंगे ताकि ये ड्राई ना हो, ठंडी हो जाए। हमारी दूसरी रोटी भी रेडी है, इसको भी हम रख लेते हैं, थोड़ा ठंडा होने देते हैं, 5-10 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद इनको हम अलग अलग करते हैं। जी दोस्तों, 10 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इन पट्टियों को सेपरेट करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत एहतियात से कीजिएगा क्योंकि इनके टूटने का भी डर होता है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये टूट नहीं रही, ओवरलैप हो चुकी है कॉर्नर से, तो कोई इसका मसला नहीं, हम कॉर्नर्स को ट्रिम कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है। इसी तरीके से मैं सारी शीट्स को सेपरेट कर लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। जी दोस्तों, तो इसके ऊपर हम फिलिंग डालेंगे, जितनी फिलिंग आप डालना चाहें आप डाल सकें, मोस्टली 2 से 3 टेबलस्पून बहुत होती है। तो आप ओवर नहीं कीजिएगा, हमारे फिर रोल फटने का डर होता है, तो बस थोड़ी सी और। अब हम क्या करेंगे, इसे लेफ्ट और राइट साइड से उठा के फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और बैक साइड से भी हम पूरा इसको इस तरीके से कवर करके, और फिर इसके ऊपर हम ये, दोस्तों मैंने मैदे का घोल बनाया हुआ है, 1 टेबलस्पून पानी और 1 टेबलस्पून मैदा था, तो इसको हम इस पर लगा देंगे, अच्छे तरीके से सील करने की कोशिश करेंगे। ये अच्छे से लग गया, अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे टाइटली ताकि हमारे रोल जो अच्छे से पैक हो जाए और कुकिंग के दौरान खुले नहीं, और प्रेस करेंगे और इसको उल्टी साइड से ही हम प्रेस रख देंगे साइड पे ताकि ये फिक्स हो जाए अच्छे तरीके से, और बाकी रोल रेडी करेंगे।
जी दोस्तों, तो इन्हें अब हम शैलो फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, आग मैंने मीडियम ही रखी हुई है क्योंकि हमारे रैपर्स जो हैं वो बहुत डेलिकेट हैं, अगर तेज़ आग रखेंगे तो ऊपर से फ़ौरन ब्राउन हो जाएंगे। हम इनको मीडियम टू स्लो फ्लेम पे ही हम इसको कुक करेंगे। तीन मिनट हो गए हैं, साइड चेंज करके देखते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। और सब साइड से हमने इनको इक्वली पकाना है। आग अभी भी मीडियम टू स्लो ही है। जी दोस्तों, हमारे रोल ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे और आपको सर्व करके दिखाते हैं। जी दोस्तों, हमारे गर्मा गर्म स्प्रिंग रोल रेडी हैं, वेजिटेबल रोल। कैचअप के साथ मैंने इनको सर्व किया, तो अब टेस्ट करता हूँ। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार हैं। आप बिलीव करें, मैंने आज तक ऐसे रोल्स कभी भी नहीं खाए। मुझे ज़्यादातर मैं जो है बाहर से पट्टी ला के उसकी बनाता हूँ, लेकिन मैंने सेकंड टाइम ट्राई किए हैं और बहुत ही मज़ेदार बना है। आप कलर देख सकते हैं, इतना खूबसूरत इस पर कलर आया है, और कुकिंग भी आप देखिए कितनी अच्छी इसकी कुकिंग हुई है। तो फ्रेंड्स, मैं करता हूँ इसको फिनिश, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दे दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।